हाय एवरीवन, C++ की इस वीडियो सीरीज़ में मैं प्रिंस अग्रवाल आप लोगों का वेलकम करता हूँ। नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के ऊपर बात करी थी, उसमें हम लोगों ने कंपाइलर पर प्रैक्टिस भी करा था कि फंक्शन को कैसे बना सकते हैं। आज हम लोग फंक्शंस पे और डीप डाइव करेंगे, ठीक है। नाउ फंक्शंस का वर्किंग कैसे होता है, वो कैसे काम कर रहा होता है बैकग्राउंड में। बेसिकली जब हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, तब जब हम लोग को दो नंबर को ऐड करना होता था तो हम लोग कोड लिखते थे और उसमें आर्ग्यूमेंट्स को पास करते थे, अगर हमें रिजल्ट मिल जाता था। बेसिकली उस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ रहता था, दो वेरिएबल लेते थे ए और बी। जैसे ही हम लोग दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए, वैसे ही रैम के अंदर दो ब्लॉक्स जनरेट होंगे ए और बी के, बिकॉज इंटीजर जो साइज लेता है उसी साइज के दो ब्लॉक्स ए एंड बी नाम का वो रैम में जनरेट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर रखी है ना। हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे सी, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी एक ब्लॉक जनरेट होगा, ठीक है। ये ब्लॉक्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जो भी ए या बी या सी का वैल्यूज़ रहेंगे। नाउ देन आफ्टर हम लोग परफॉर्म कर देंगे कैलकुलेशंस को, ठीक है। ये तो हुआ, हम लोग ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कि सिंपली दो नंबर को ऐड करना था। मान लो हम लोगों के पास कोई बड़ा प्रोग्राम होता, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को एक बार ही ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि हम लोग को उस बड़े प्रोग्राम में कम से कम 10 बार किसी भी दो नंबर को ऐड करना है, तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। अगर मान लो दो बार ऐड करना होता तो फिर हम लोग कोड लिखेंगे ऐड करने के लिए, देन वेरिएबल बनाएंगे डी ई एफ एंड एफ में डी प्लस ई स्टोर कर देंगे, देन आफ्टर उसके करस्पॉन्डिंग भी रैम में मेमोरी स्टोर होगा। इसी तरह करते करते अगर 10 बार अगर हम लोग को ऐड करना हो दो नंबर को, तो ऐसे करते करते 10 × 3 30 ब्लॉक्स रैम में जनरेट हो जाएंगे जब हम लोग कोड को कंपाइल करेंगे। ब्लॉक्स तब जनरेट होते हैं जब हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं, उस समय सारे ब्लॉक्स जनरेट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? नाउ तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा, सर ऐसे करके देखा जाए तो मेमोरी कंजप्शन तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेमोरी कंजप्शन हाई होने के कारण तो ये तो ड्रॉबैक हो गया ना कि हम लोग एक ही चीज़ को 10 बार लिख रहे हैं। देन देयर कम्स अ सॉल्यूशन टू जनरेट अ फंक्शन। हम लोग एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और फंक्शन के अंदर कोड लिखा रहेगा। कोड क्या रहेगा? कोड यही रहेगा कि हम लोग वेरिएबल जो रहेगा, जो हम लोग वेरिएबल इनपुट देंगे आर्गुमेंट्स के तौर पे, उसका हम लोग मैनिपुलेट करके या उसका हम लोग रिजल्ट निकाल के उसे रिटर्न कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। वो तो फंक्शंस हमारे बनाने के ऊपर है कि हम लोग फंक्शंस के अंदर क्या सिंटैक्स क्या हम लोग लिखते हैं, उसके अंदर क्या काम करवाना चाहते हैं, किस तरह का फंक्शंस है, ठीक है ना। अब हम बात करें, मान लेते हैं हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है। अब ये कोड क्या कह रहा है कि हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ तक तो क्लियर। नाउ इंट मेन का ब्लॉक चलेगा, उसमें इंट ए एंड सी इन ए और इंट बी और सी इन बी, तो दो ब्लॉक जनरेट हो जाएंगे रैम में, ठीक है, और यूज़र के से हम लोग ए और बी इनपुट ले लेंगे। नाउ अगेन एक इंट सी नाम का ही ब्लॉक जनरेट होगा। नाउ अब क्या करो, अब एक ब्लॉक और जनरेट होगा। नाउ उसके बाद क्या है, सी बराबर ऐड ए कमा बी। हम लोग ऐड नाम का फंक्शन को कॉल किए, ऑल्दो ये पूरी कोड सही नहीं है, मैंने ना फंक्शन डिक्लेयर किया है ना फंक्शन बनाया है, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे कॉल होने पे हम लोग जब इंट मेन का जो ब्लॉक चलता है उसमें कैसे फंक्शन कॉल होता है, तो वर्क कैसे करता है। जैसे ही हम लोग ऐड को कॉल करेंगे, ठीक है, तो वैसे ही जहाँ हम लोगों ने ऐड नाम का जो फंक्शन क्रिएट किया होगा वो उसके पास जाएगा, यहाँ तक क्लियर, एंड उसके अंदर ए और बी पास करेगा, ठीक है ना। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वैसे ही रैम जो है फंक्शन को एक मेमोरी ब्लॉक दे देगी, ठीक है। एंड ये मेमोरी ब्लॉक किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब ये फंक्शन जो भी मैनिपुलेट करके देगा रिजल्ट, उसे हम लोग सी में स्टोर कर लेंगे। देन आफ्टर फंक्शन का काम खत्म, देन आफ्टर फंक्शन रैम से डिमिनिश हो जाएगा या उसे फिर मेमोरी डी एलोकेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जब ज़रूरत था तो मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया फंक्शन को, देन ज़रूरत ख़त्म हो गया तो हम लोगों ने डी एलोकेट कर दिया। इस तरह से हमें लोड नहीं पड़ा हमारे रैम पे, ताकि वो हैवी लोड हो जाए या फिर बहुत सारे मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाए उसके अंदर। ये था इसकी सिंप्लिसिटी, ठीक है, कि कैसे वर्क होता है। नाउ अब हम बात करें, अगर हम लोग अपना कंपाइलर ओपन करते हैं, एक्स कोड,
मैं आज आपको एक फंक्शन बना के दिखाऊंगा कि बेसिकली फंक्शन हम लोगों ने बनाया इसलिए ताकि मेमोरी का सही से यूटिलाइजेशन हो पाए, हम लोग सही से मेमोरी मेमोरी को यूज़ कर पाए, ठीक है। मान लेते हैं आज मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, फंक्शन टू डिसाइड मैक्सिमम नंबर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? एसटीडी मैंने क्यों यूज़ करता है, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है या मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बता रखे है। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज़ इस पहले से पहले एक दो लेक्चर समझिए, फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। नाउ व्हाट कि अब हम लोग फंक्शन, जैसे कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट सी, ठीक है, एंड मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मैक्स, और मैं लिखता हूँ 5.6, या मैं इसे लिखता हूँ मैक्सिमम, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन के अंदर मैंने आर्गुमेंट्स को पास किया 5 और 6, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है या 6 बड़ा है। और जो भी बड़ा होगा उसे मैं प्रिंट करवा दूंगा मैसेज के तौर पे, बिगर नंबर इज सी, ठीक है। अब सी में जो भी आउटपुट मिलेगा इस फंक्शन के थ्रू तो हम लोग उसे स्टोर करा देंगे, सॉरी प्रिंट करा देंगे। नाउ अब मैक्सिमम हम लोगों ने डिक्लेयर तो किया नहीं है इस फंक्शन को, तो हम लोग क्या करते हैं इस बार डिक्लेयर नहीं करते। देखिए दो मेथड होता है, पहले तो आप क्या कीजिए डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं तो कंपाइलर यहाँ से रन होना स्टार्ट, जब हमारा कोड कंपाइल हो रहा होगा पहला लाइन कंपाइल होगा, देन दूसरा कंपाइल होगा, तीसरा होगा, चौथा, पाँचवा, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, सब कमेंट्स है, सब कंपाइल हो गए। नाउ टेंथ कंपाइल होगा तो उसके बाद उसे हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम मिलेगा तो वो हेडर फाइल समझ जाएगा। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कंपाइल होगा, देन फिर से कमेंट्स कंपाइल होगा। तो ये कंप्यूटर समझते जाता है कि अच्छा, वो इंटरलिंक करते जाता है कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलते जा रही है। फिर इंट मेन कंपाइल होगा जिसके अंदर सारे ब्लॉक्स चलने हैं। उसके बाद कोड नंबर 15 कंपाइल होगा। उसके कंपाइलेशन में क्या मिलेगा उसे कि एक सी नाम का वेरिएबल हम लोगों ने बनाया और उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन को कॉल किया मैक्सिमम, और उसके बाद आर्गुमेंट्स पास किया 5.6। बट मैक्सिमम तो हम लोगों ने कहीं बताया ही नहीं कि मैक्सिमम क्या होता है, तो इसलिए हम लोगों को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, हम लोगों को डिक्लेयर करना ज़रूरी है फंक्शंस को, ठीक है। तो हम लोगों ने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया, तो ये किस तरह का फंक्शन आउटपुट देगा, इंटीजर टाइप का आउटपुट देगा, बिकॉज 5 या 6 जो है इंटीजर है और हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो अल्टीमेटली हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। और इसके अंदर आर्गुमेंट्स कैसे पास करेंगे हम लोग इंटीजर टाइप के, मान लो जो हम लोग पास किया एक इंटीजर ए एंड हम लोगों ने पास कर दिया इंटीजर बी, हम लोगों ने दो टाइप के दो इंटीजर पास किए ए और बी। अब ये इसका ब्लॉक है, हम लोग इस पर क्या करें, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, सीधा फंक्शन को डिफाइन करते रहें, तो ये तो ज़्यादा उचित हुआ ना कि हम लोग डिक्लेयर किए बिना डिफाइन करते रहें, तो अल्टीमेटली कंपाइलर को पता तो चलेगा ना कि मैक्सिमम नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है, वरना इसे पता ही नहीं चलता, ठीक है। नाउ अब ए और बी तो पास कर दिए, हम लोग चेक करेंगे इफ अगर ए बड़ा होगा या बराबर होगा बी से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर हम लोग कैसे भी रहने देते हैं, हम लोग क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे किसको, ए को, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग रिटर्न कर देंगे बी को, यहाँ तक क्लियर? अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग रिटर्न कर देंगे ए को, सॉरी अगर ए बड़ा हुआ तो ए रिटर्न करेंगे और बी बड़ा हुआ तो बी रिटर्न करेंगे। हम लोग रिटर्न करते हैं, हम लोग फंक्शन के केस में हमेशा रिटर्न करते हैं अगर हम लोग कोई प्रिंट नहीं कराना है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीजर टाइप का कुछ वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे कि रिटर्न क्या करना चाह रहे हैं ए को, ठीक है, जो भी ए के तौर पे आर्गुमेंट्स पास होगा या बी के तौर पे आर्गुमेंट्स पास होगा, ठीक है। और एज इट इज़ हम लोगों ने यही फॉर्मेट में किया है, पहले 5 पास किया देन 6 पास किया, या हम लोग कुछ भी पास कर सकते थे बट हम लोगों ने 2 नंबर पास किया। हम लोगों ने समझ में आया कि मैंने बिना फंक्शन डिक्लेयर किए इसे डिफाइन कर दिया, ये जरूरी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं ये काम क्या करूँ ना, अगर मैं इसे
यहाँ से हटा दूँ एंड मैं इसे इंट मेन के बाद रखूँ, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, कंपाइलर यहाँ चलना स्टार्ट होगा, ये कंपाइल हेडर फाइल कंपाइल करेगा, ये भी कंपाइल करेगा, नैन 12th नंबर कंपाइल होगा, इंट मेल कंपाइल होगा, सी के पास आएगा तो उसे फिर मिल जाएगा मैक्सिमम, और उसे इतने कंपाइलेशन के टाइम पे कहीं भी मैक्सिमम का मतलब समझ में नहीं आया तो वो दे दिया एरर। अगर यही हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर भी कर चुके होते ना सिर्फ कि इंट मैक्सिमम इंट जेड या फिर ए या फिर इंट, जरूरी नहीं है कि जो हम डिक्लेयर के टाइम में वेरिएबल देंगे वही वेरिएबल हम लोग यहाँ पे दें, अंदर में आर्गुमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बस हम बता रहे होते हैं कि आर्गुमेंट्स किस तरह का जा रहा है, इंटीजर टाइप का जा रहा है, ठीक है। नाउ इंट बी, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ डिक्लेयर भी कर चुके होते हैं ना तो दिक्कत नहीं होता, जैसे कि मैं आपको करके दिखा, तो मैं कमेंट्स हटा देता हूँ, देखिए विद इन 1 सेकेंड ये चीज़ एरर हट जाए, यस एरर हट गया, क्यों हट गया, बिकॉज कंपाइलर जब यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा होगा तो उसे मैक्सिमम का मतलब समझ में आ गया कि हाँ भैया मैक्सिमम नाम का कोई फंक्शन यूज़ होने वाला है जिसे इस कोडर ने या इस बंदे ने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल कमेंट कर देता हूँ एंड इसे मैं कट करके यहाँ से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब बिगर नंबर जो होगा वो हमें प्रिंट मिल जाएगा, हम लोग इसे रन करा के देखते हैं, एंटर बिल्ड सक्सेड, देखिए बिगर नंबर इज 6 आउटपुट मिल गया, क्यों मिल गया, और हमेशा याद रखिए ना, हमेशा हम लोग मेन ब्लॉक के अंदर चल रहे होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सी आउट वी आर इन मेन ब्लॉक, ठीक है। हमेशा जो हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, मैं जो वर्किंग जो फंक्शन होता है वो मेन ब्लॉक होता है, अभी आपको मिल जाएगा हम लोग मेन ब्लॉक के अंदर है, तो जो हमारा आउटपुट स्टार्ट होगा वी आर इन मेन ब्लॉक एंड बिगर नंबर इज 6, सी आउट क्योंकि इंट मेन के अंदर चलना स्टार्ट होगा वो, तो सी आउट उसे मिलेगा तो वो प्रिंट करा देगा मैसेज को, देन इंट सी नाम का वेरिएबल बनेगा, मैं रैम में कहीं ना कहीं बन रहा होगा, एंड मैक्सिमम देखा कि मैक्सिमम को कॉल किया हम लोगों ने तो वो मैक्सिमम के बदले यहाँ पे जाएगा, उसे मिल गया मैक्सिमम, यस। और फिर मैक्सिमम ने 5 और 6 पास किया है तो वो ए के बदले यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मतलब हो जाएगा ए के बदले 5 एंड बी के बदले 6। नाउ अब यहाँ चेक कर लेगा कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसे रिटर्न कर देगा, अगर जो छोटा होगा फिर उसे वो रहन देगा। यहाँ तक क्लियर, फंक्शन समझ में आया बेसिकली हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप लोग खुद से फंक्शन बनाइएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अगर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर मान लेते हैं मैं यहाँ सिर्फ ये रखूँ, ठीक है, तो ये आपको एरर प्रोवाइड करेगा, क्यों, बिकॉज हम लोग कैसा चाह रहे हैं, 2 आर्गुमेंट्स पास करना, और हम लोगों ने मैक्सिमम में भी 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने यहाँ 3 आर्गुमेंट्स दे दिया, जैसे कि मैं दे देता हूँ कॉमा इंट सी, तो ये आपको एरर मिलेगा अभी, क्यों एरर मिलेगा, बिकॉज हम लोगों ने 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, लेकिन हम लोग जो फंक्शन बनाए हैं वो 3 आर्गुमेंट्स वाला है, ठीक है, तो ये मैटर करता है। डेट्स इट गाइस, या अब इट इज़ नॉर्मल हो जाएगा। अगर यही आपको यूज़र ओरिएंटेड बनाना होता तो मैं क्या करता यहाँ पे, मैं कितना इंट मैं लेता A1 एंड B1, ठीक है। अब मैं फिर एक मैसेज प्रिंट कराता है कि प्लीज़ एंटर 2 नंबर, ठीक है, 2 मैसेज मैं प्रिंट करा दिया एंडन। अब फिर मैं क्या करूँगा, जो सी इन के थ्रू A1 में स्टोर करा लूँगा एंड लगातार फिर मैं B1 में स्टोर करा लूँगा। कोड ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये भी एक सही तरीका है, पहले सी इन A1 में स्टोर कराया, फिर जो दूसरा वो एंटर करेगा वैल्यू वो B1 में स्टोर कर लेगा। नाउ एक मेथड जो मैं अभी तक सिखाते आ रहा हूँ, सी इन A1 एंड फिर सी इन B1। अब लोग कोड में से देख देख के लिखना सीखिए कि सर कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे A1 और B1, यस, जो हम लोग को मिलेगा मैक्सिमम A1 B1 में से वो सी में स्टोर हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे फिर सी में सी को प्रिंट करवा दे रहे हैं। चलिए एंटर कराते हैं, मतलब रन करवाते हैं, यस
प्लेस इंटर टू नंबर 67, तो वो चला गया A1 में, फिर इंटर 98, तो बिगर नंबर इज 98। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग इस पर सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वलिटी का केस लगाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। प्योर फंक्शंस प्रैक्टिस का खेल है। दैट्स इट गाइस, अगर वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है ना तो प्लीज़ पहले आप ना मुझे कमेंट्स करके बताइए कि सर मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, आप पहले ये क्लियर करो, सर मुझे इस चीज़ में दिक्कत है, आप मुझे प्लीज़ ये समझा दो। मैं आप लोगों के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरह से एक एक चीज़ डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। एंड प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।